2024 में रक्षाबंधन का पावन पर्व कितनी तारीख को मनाया जाएगा इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, सावन महीने की पूर्णिमा के दिन यह पावन पवित्र दिन मनाया जाता है। बहनें अपने भाई के हाथ में रक्षा का सूत्र बांधती हैं और यह तिथि अपने आप में अद्भुत होती है। आप सभी को इस दिन विशेष तौर पर भद्रा का ध्यान रखना चाहिए, जो कि अशुभ समय के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है किसी भी अवस्था में भद्रा में अपने भाई के हाथ में रक्षा का सूत्र न बांधे, यह अशुभ के श्रेणी में होता है और इससे जो है हानि इत्यादि की आशंका बनी रहती है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए ही शुभ मुहूर्त में अपनी पूजा आराधना और रक्षाबंधन के पावन पवित्र को मनाएं। 2024 में यह तिथि कब हो रही है, ध्यान से सुनिए। 2024 में रक्षाबंधन 19 अगस्त दिन सोमवार के दिन मनाया जाएगा, नोट करते हुए चलिएगा। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 19 अगस्त प्रातःकाल 3:04 के आसपास। तिथि समापन की ओर बढ़ेगी 19 अगस्त रात्रि 11:55 के आसपास। ऐसे में रात्रि को जब पूर्णिमा तिथि शुरू होगी, अर्थात 3 के आसपास जब शुरू होगी, उसके साथ ही भद्रा भी शुरू हो जा रही है। किसी भी अवस्था में भद्रा में पूजा पाठ और किसी भी शुभ कार्य विशेष तौर पर रक्षाबंधन को करने से स्वयं को रोकना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप सभी को विशेष तौर पर रक्षाबंधन में किसी भी तरह से, भले ही कितनी भी जल्दीबाजी हो, अपने भाई का रक्षा सूत्र नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त जो है विशेष तौर पर दोपहर में 1:30 से रात्रि तक कभी भी आप रक्षाबंधन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुल मिलाकर 1:30 के बाद से ही शुभ सहयोग बन रहे हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं है। अधिकतर घरों में दोपहर के बाद ही, अर्थात अपराह्न समय में ही शुभ माना जाता है रक्षाबंधन करना। तो 1:30 से स्टार्ट करते हुए, शुरू करते हुए रात्रि को 9:08 तक आप कभी भी जो है राखी बांध सकते हैं अपने भाई के हाथ में। इस दिन प्रदोष काल को भी विशेष महत्वता दी जाती है। 19 अगस्त के दिन शाम के समय प्रदोष काल का समय रहेगा 6:46 से रात्रि 9:08 के आसपास। तो ऐसे में आप इस शुभ समय को भी अपने भाई के हाथ में राखी बांधने के लिए चुन सकते हैं। और जो अगर आप विशेष समय देखते हैं कि मैं अपने भाई के हाथ में इसी समय राखी बांधूंगी, तो दोपहर में अपराह्न का समय बन रहा है 19 अगस्त को 1:43 से, अर्थात 1:43 से शाम के समय 4:20 के आसपास। तो इस शुभ समय में भी आप रक्षाबंधन कर सकती हैं, अगर आप रात्रि तक नहीं करना चाहते हैं तो। इस तरह से यह जानकारी थी। 19 अगस्त के ही दिन ही पूर्णिमा का व्रत भी किया जाएगा। स्नान ध्यान पूजा पाठ की जो पूर्णिमा है, संपूर्ण स्वरूप में इसी दिन की जाएगी। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में मैंने सारी जानकारी आपके लिए दी हुई है, कृपया उसे जरूर से पढ़कर और समझकर सोचकर ही रक्षाबंधन कीजिएगा। वीडियो उपयोगी रहती है तो हर हर महादेव लिखना ना भूलें।